नमस्कार मित्रों, जय हिंद जय भारत। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की बात बताऊंगा, एक ऐसे टैक्सी ड्राइवर की बात बताऊंगा जो आरक्षण के विरोध के लिए वो समाज को 3 वर्षों से ठगता आ रहा है, और एक बार जो उससे ठगा जा चुका है, दोबारा वो व्यक्ति उससे कोई मतलब नहीं रखता। ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा। पहले वो सपाक्ष से जुड़ा, फिर सपाक्ष को बदनाम करने के लिए कई वीडियो जारी करता था, लोगों तक कई वीडियो जारी करके सपाक्ष को बदनाम करने के लिए वो इस तरह की वीडियो बनाता था, और सपाक्ष में एक मकसद के लिए आया था, सपाक्ष ने उसका मकसद पूरा नहीं किया, इसलिए वो सपाक्ष को बदनाम करने लगा। और समाज से, अधिकारी वर्ग से, व्यापारी वर्ग से मोटे मोटे चंदे, मोटे मोटे पैसे वसूलता है कार्यक्रम करने के लिए, कि आरक्षण के विरोध में कार्यक्रम करने के लिए वो चंदे वसूलता रहता है। तो हो सकता है आपके पास भी वो व्यक्ति आए चंदे के लिए, लेकिन इससे पहले कि आप उससे ठगे जाएं, आप उस व्यक्ति को जरूर पहचान लें। आइए हम आपको दिखाते हैं उसको, और उसके बारे में फिर आगे चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए ब्लिंक कर रही फोटो में जो आपको ये शख्स दिख रहा है, यही है वो सामाजिक ठग टैक्सी ड्राइवर जो पहले सपाक्ष में जुड़ा, सपाक्ष पार्टी का कारभार संभाला, लेकिन इस व्यक्ति ने किसी को भी सपाक्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया, किसी को भी ये नहीं बताया कि मैं भी सपाक्ष में काम कर रहा हूँ। अब इसका मकसद चाहे जो भी रहा हो, सपाक्ष से जुड़ने के बाद भी ये व्यक्ति लोगों से मोटे मोटे चंदे हुआ था, और वो मोटे चंदों को खुद अपने निजी उपयोग के लिए किसी को जानकारी दिए बिना वो चंदा अपने पास रखता। उस चंदे के पैसे से चारों तरफ शहर के सिर्फ बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाता, अपने नाम की होर्डिंग लगवाता, और लोगों से अपील करता आरक्षण के विरोध करने के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए। आप इसके फेसबुक प्रोफाइल में देखेंगे तो इसके अकाउंट नंबर भी पड़ा है, आप चेक कर सकते हैं। जो ये स्क्रीन शॉट आपको दिखा रहा हूँ, ये इस व्यक्ति के प्रोफाइल से वीडियो लाइव चलाया था उस वक्त जब सपाक्ष द्वारा भोपाल में पैदल मार्च निकाला गया था। ये फेसबुक लाइव में पड़ा हुआ है इस शख्स के, आप इसको सर्च करके भी देख सकते हैं। भाइयों, इस शख्स के साथ मैं भी कुछ दिन काम किया, लेकिन जब मुझे पता चला इसके नियत के बारे में तो मैंने इसका साथ छोड़ दिया। और आज के डेट में आप इससे पूछिए कि इसके पास कितने लड़कों की टीम है, इसकी टीम कहाँ है, तो ये व्यक्ति अपने टीम के बारे में नहीं बता पाएगा, क्योंकि वास्तव में इसके पास कोई टीम है ही नहीं। मित्रों, आज आपको यह भी बताता हूँ कि ये अचानक सपाक्ष का विरोध क्यों करने लगा, और सपाक्ष का विरोधी क्यों मन बैठा। जरा गौर से देखिए जिसमें लिखा है आरक्षण और SC ST के मुद्दे को लेकर सीधी विधानसभा से शत्रुघ्न पांडे लड़ेंगे चुनाव। ये व्यक्ति सपाक्ष पार्टी से अपने आप को उम्मीदवार मान चुका था और अपना प्रचार प्रसार शुरू कर चुका था विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। अब आप जरा इसके इस प्रोफाइल में एक नज़र डालिए, जहाँ पे लिखा है आरक्षण के लिए मैं लाठियाँ खाया। जो व्यक्ति आरक्षण के विरोध में हमें वोट नहीं करता है, वह सवर्ण ही नहीं बल्कि नाजायज औलाद होगा। अब एक नज़र इसके इस पोस्ट पर भी डालिए, जिसमें लिखा है शत्रुघ्न पांडे सीधी विधानसभा से जिताओ SC ST Act और जातिगत आरक्षण विरोधी आवाज़ विधानसभा में गुजबाओ। अब इसके इस पोस्ट पर भी नज़र डालिए, सपाक्ष द्वारा टिकट तय हो चुका था, इसके वजूद और इसके अस्तित्व का कोई अहमियत नहीं थी, इसलिए सपाक्ष ने इसे टिकट देने से मना कर दिया। तभी से ये आरक्षण का विरोध बंद करके एकदम खुले तौर पर सपाक्ष का विरोध करना शुरू कर दिया। जब इसे टिकट नहीं मिला तब ये देखिए किस तरह की पोस्ट डालता है, पढ़िए इस पोस्ट को, आप इसके मानसिकता को समझने लगेंगे। अब ध्यान से देखिए इनके इस पोस्ट को,
जहां पे ये लिखते हैं भ्रष्ट घूसखोर कर्मचारियों अधिकारियों का गैंग है सपाक्स, जो बिना घूस के फाइल नहीं बढ़ाता, आज सत्ता पाने चले हैं, इसलिए दबाओ नोटा। अब देखिए इस पोस्ट में दो तरह की बातें लिख रहा है, एक नोटा का भी लिख रहा है और दूसरा अपने लिए वोट भी मांग रहा है। इस तरह के दोगले इंसान को जो खुद रास्ता तय नहीं कर पाता, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कौन भरोसा कर सकता है। अब देखिए इस व्यक्ति को कि सत्ता पाने चले नीम पर चढ़ेगा करेला, इसलिए दबाओ नोटा। कभी ये व्यक्ति नोटा की बात करता है, कभी समाज में दोगलों की बात करता है, कभी अपने लिए चुनाव वोट की बात करता है। इस व्यक्ति का अस्तित्व ही क्या है? कुल मिला के इसको राजनीति का सदमा लग गया है और इसी चक्कर में इसकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि ये कुछ भी कह सकता है, इसलिए इसके ऊपर भरोसा करना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण होगा। लेकिन चाहे ये पागल ही क्यों ना हो, येलो कलर के डिब्बे के अंदर जिस तरह का शब्द ये लिखा है, नाजायज औलाद होगा। नोटा को वोट नहीं करो, कर नोटा पर वोट करें, असली औलाद होने का प्रमाण दे। अगर इस तरह का शब्द ये दोबारा लिखता है तो इसको भरे चौराहे में इतने डंडे मारूंगा कि इसके हाथ पैर टूट जाएंगे और वहां से आरक्षण का विरोध करना ये बंद कर देगा, कभी आरक्षण का नाम नहीं लेगा अगर इस तरह का शब्द दोबारा इसने यूज किया। इसलिए भाइयों, जो भी इसके शुभचिंतक हो उसको समझाओ कि इस तरह का शब्द यूज